बात नोएडा अथॉरिटी की जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। खुद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपके नाक कान से नहीं बल्कि चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी से क्या नोएडा अथॉरिटी पर फर्क पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की हद कहां से कहां पहुंच गई है वो आपके लिए समझना जरूरी। नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़। आंख नाक कान से ही नहीं चेहरे से भी टपकता है भ्रष्टाचार। ये नोएडा प्राधिकरण को देश की सर्वोच्च अदालत से की गई वो टिप्पणी है जिस पर कोई भी शर्म से पानी पानी हो सकता है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार में वो कीर्तिमान बना दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद को ये कहने से नहीं रोक पाया कि नोएडा अथॉरिटी के चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ट्विन टावर एपेक्स और सियान के मामले में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नोएडा प्राधिकरण की आंख नाक कान ही नहीं बल्कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। और इस तल्ख टिप्पणी को लेकर के एबीपी गंगा नोएडा प्राधिकरण पहुंचा, जहां रितु महेश्वरी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने फोन पर बताया कि ये मामला लगभग 6 से 7 साल पुराना है और इस मामले की उन्हें जानकारी भी पूरी तरह से नहीं थी। दरअसल परियोजनाओं के टेंडर से लेकर जमीन अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, प्लॉट आवंटन और कैक के ऑडिट रिपोर्ट में कई बार कई हजार करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला सामने आ चुका है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी सुधरने की बजाय और ज्यादा बेलगाम हो गई कि अब उसने दो टावर के बीच वाली दूरी के पैमाने पर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, क्योंकि नियम के मुताबिक एक टावर से दूसरे टावर के बीच टावर की आधी दूरी का गैप जरूरी है। मतलब अगर टावर 100 मीटर का है तो दूसरा टावर कम से कम 50 मीटर की दूरी पर ही बनाया जा सकता है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इसमें भी धांधली के नए कीर्तिमान लिख दिए। एमराल्ड कोर्ट के उन्हीं ट्विन टावरों के पास मौजूद हैं जिनके खिलाफ यहां के बायर्स कोर्ट चले गए थे। सबसे पहले हम आपको उन टावरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन दोनों टावरों के बीच में समस्या क्या है। आप देख सकते हैं ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसके बगल में ये दूसरा टावर खड़ा हुआ है जहां पर लोग रह रहे हैं, और इन दोनों टावरों के बीच में आप देख सकते हैं कि 9 मीटर का महज गैप है, जबकि इन दोनों के बीच में कम से कम 20 मीटर का गैप होना चाहिए। जब बिल्डर ने इस सोसाइटी को डेवलप किया था तब ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यानी जो ये आप टावर देख रहे हैं निर्माणाधीन, ये नहीं था। ये जो निर्माण है सिर्फ इतना ही रहेगा, और ये जो सामने जहां पर ये बिल्डिंग निर्माणाधीन खड़ी हुई है यहां पर ग्रीन बेल्ट होगी, लेकिन बिल्डर ने प्राधिकरण की मिलीभगत से यहां पर निर्माण कार्य शुरू किया, जिसको लेकर के यहां के बायर्स ने विरोध जताया। ट्विन टावर एपेक्स और सियान का यही मामला है जहां सिर्फ 9 मीटर की दूरी है जो पूरी तरह से अवैध है। देखिए, हम ने यहां पर फ्लैट 2006 में बुक किया था और 2010 में हमें पोजीशन मिला। जब हम 2010 में आए तो हमने बहुत डिफेक्ट्स देखे और सोचा कि इसको ठीक कराएं, लेकिन बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी से के पास जा करके हम थक गए। यहाँ तक कि तब के अर्बन मिनिस्टर यूपी को भी लेटर लिखा, लेकिन उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। जब देखा कि हमारे पास में अति हो रही है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये कोर्ट के ही माध्यम से काबू में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नोएडा अथॉरिटी को जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि जब एबीपी गंगा के संवाददाता ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, यहां तक कि व्हाट्सएप किए गए मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। हालांकि बाद में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जवाब ये कहते हुए टाल दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी के बाद भी जब नोएडा अथॉरिटी सुधरने की जगह बेलगाम नजर आ रही तो सुधरेगी कब? क्योंकि सवाल उन लोगों का भी है जो इन दोनों टावर के बीच पिस रहे हैं, क्योंकि एपेक्स और सियान टावर में कुल 915 फ्लैट हैं और 21 दुकानें हैं।
इसमें शुरू में 633 लोगों ने बुकिंग कराई थी, जिनमें से 248 लोगों ने पैसा वापस ले लिया। 133 लोगों ने सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया है और 252 लोग अभी बचे हैं जिन्होंने पैसा वापस नहीं लिया है। सुपरटेक को दोनों टावरों से करीब 188 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से उसने 148 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। नोएडा से बलराम पांडे, एबीपी गंगा।